हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ठीक है, और आप लोगों का इससे ज़रूर बताना। तो गाइस, मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है आज नाश्ते के बाद से। नाश्ता अल्हम्दुलिल्लाह हो गया, और सुबह में वही खाए थे हम लोग, रोटी वगैरह। एंड क्लीनिंग तो हमेशा रहती डेली ज़िंदगी में। जितना साफ़ सफाई रहेंगे आप, उतना कम बीमार पड़ते। सुनजी जी, थोड़ा इधर चेंज करेंगे, ये दीवान के ऊपर बेडशीट वगैरह चेंज करी। तेल लगाई मैं सर को, एंड अभी डालूंगी चोटी। घर पूरा क्लीन हो गया, अली यहाँ पर खेल ले रहे। और चलो, ये पूरे बर्तन मैं यहाँ लगाती हूँ, धोए बाद में वॉश हो गया अभी, और उसके बाद में इधर फिट कर देती हूँ मैं। तो अभी ये पूरे वॉश हो गए बर्तन, एंड ये भी थे आज पूरे बर्तन अंदर से। डीप क्लीनिंग जो रहते ना बर्तन, ज़्यादा यूज़ नहीं करते, तो उन लोग को भी फिर एक बार धो ही नहीं, बिकॉज कीड़े वगैरह आ जाते बोल के। एंड ये भी पूरा लगाना है मेरे को, बिकॉज यहाँ पर पानी नीचे सिंक है ना इधर, तो पानी इसका अच्छा ड्राई हो जाता। उसके बाद में मैं बड़े स्टैंड में इसको यहाँ पर लगा दूँगी। तो अपन इसको किचन का लुक चेंज करी मैं। तो यहाँ पर स्टैंड था ना, तो यहाँ गैस के ऊपर रख रही, तो वो जब हीट होते अपने, मतलब सालन जो बनता उसका जो भाप वगैरह जो रहता ना, तो डब्बों पे जाके, मतलब डब्बे जल्दी ख़राब हो जा रहे थे, लाइक मालूम आप लोगों को काले हो जा रहे थे। उसके वास्ते मैं उसको वहाँ से हटा डाली, एक स्टैंड को इधर रख डाली, और बाकी के एक इधर है। हमारा छोटा किचन टूर आप लोगों को कैसा दिखा? और वहाँ पर चमचे वगैरह रख दी, और ये भी सेट करना है मेरे को। अभी कुकिंग स्टार्ट करेंगे। नाश्ता तो हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह, बस लंच में देखेंगे क्या बनाएंगे। तो चलिए, अभी अली का खाना बनाई थी, एंड अली का दूध का बॉटल मेरे को उबालना है, तो उबाले बाद में मैं मिलती हूँ। तो देखो गाइस, अपन डेली यूज़ करते रहते मिक्सर कितनी गंदी हो गई, तो मैं भी इसको अच्छे से साफ पोछूंगी। बस किचन का आज पूरा डीप क्लीनिंग हुआ, तो ये दोनों मिक्सर और इन दोनों को ज़्यादा यूज़ करते अपन। इसमें मेरा पानी गर्म होता, एंड सुबह में पीने के वास्ते गर्म, और अली का पानी भी गर्म होता। एंड ये तो डेली यूज़ होती मिक्सर, तो इतनी गंदी हो गई थी। अब मैं इसको अच्छे से साफ करूँगी, बिकॉज आज किचन पूरा डीप क्लीनिंग हुआ, तो ये भी क्लीनिंग करेंगे अपन। बॉटल गरम हो गया आराम से, तो डेली इनके बॉटल को मैं अली के उबाल के देती हूँ, अच्छा भी रहता है ऐसा। एंड अभी जा रही हूँ मैं लंच बनाने, बिकॉज थोड़ा देर हो गया था लंच बनाने, देर मतलब कामा थे, तो जैसे डेली रहते कामा, वो कामा थे। और घर वगैरह तो साफ़ हो गया, तो बस ये रहती लाइफ, डेली ब्लॉगिंग। अभी नमाज़ पढ़ ली मैं, एंड उसके बाद मैं जा रही हूँ मैं लंच बनाने, तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर से। मैं बना रही हूँ चिकन फ्राई बना रही हूँ, एंड नेक्स्ट देखेंगे क्या बनाना है। तो चिकन को मैं अच्छे से वॉश करूँगी। चिकन फ्राई कर रही हूँ, लाइक थोड़ी प्याज डाल के, बहुत अच्छी बनती है। तो बस प्याज अच्छे से लाल हो गए बाद में, और इसमें डालूँगी चिकन। इधर मैं भिंडी का सालन बनाऊँगी, और मैं बनाने वाली हूँ चिकन पेपर, मतलब काली मिर्ची का चिकन बनाने वाली हूँ गाइस। बहुत स्पाइसी रहता, कड़वा रहता। एंड इधर बन रहे हमारे चावल, इधर प्याज बन गए। तो गाइस, इसको मैं क्रिस्पी फ्राई कर ली ऑनियन को। चलो, तो अभी भिंडी काट के रख ली मैं गाइस। तो आज पूरा वेज खाना दिल हो रहा था, बट थोड़ा चिकन था, तो मैं सोची लंच में इसको काली मिर्ची वाला फ्राई कर देंगे। तो आप लोग को डिस्टर्बेंस आ रहे होंगे हमारे घर के। क्या कर रहे दोनों? ये निकाल के खेल रहे ना तुम दोनों? तो गाइस, ये बन गया हमारा भिंडी का सालन, देख सकते हैं आप। चिकन फ्राई हो गया, वेज नॉन वेज। तो ये लंच बनाई मैं आज।
करते हैं आज का देसी लंच, चिकन फ्राई एंड भिंडी का सालन। तो आइए आप लोग भी लंच करने। चाय इज वेरी इम्पोर्टेंट। तो गाइस मेरे को आज एक रिक्वेस्ट आया, मैं आप लोग को बताती हूँ क्या रिक्वेस्ट आया। तो बहुत ही अच्छा नहीं दिखा, लेकिन सुन के मेरे को बहुत तकलीफ हुई, बिकॉज ऐसे चीज़ों में ना मेरे को बहुत ही रोना आता है यार। तो किसी का भी दर्द रहने दो, किसी का भी कुछ भी प्रॉब्लम रहने दो ना, ज़्यादा इमोशनल जल्दी हो जाती मैं, पता नहीं ऐसा कहीं को है मेरे पास। और एक चीज़ पूछे मैं आप लोग को आगे बताती हूँ। तो मैं ये यूज़ करती हूँ एवरेस्ट का, बहुत ही अच्छा रहता, एकदम मसाले वाली चाय बनती। नमाज भी हो गई और पूरा काम भी कंप्लीट हो गया मेरा। आज मेरे को करना था डीप क्लीनिंग किचन की, तो किचन के डब्बे वगैरह सब चीज़ें ख़राब हो गए थे, मतलब ख़राब मतलब पूरा जो कुकिंग करते ना उसका ऑयल वगैरह, तो डब्बों पे जाके बैठता वो तो उसको वॉश करी मैं, पूरा डीप क्लीनिंग करी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया वो काम। बिकॉज़ मैं डेली ना थोड़ा थोड़ा काम जो बड़े बड़े रहते ना उन लोगों को पहले कर लेती हूँ, तो इससे क्या होता है एक सुकून भी हो जाता, घर के काम कंप्लीट हो गए। बल्कि अली की आवाज़ आ रहे होंगे, तो अली खेल ले रहे, तो वो जो बुटियाँ दिख रहे होंगे वो भी मेरे को वॉश करना है, बिकॉज़ वो भी किचन के है। तो बहुत चीज़ें मैं वॉश करी है, थक गई, बिकॉज़ ब्लॉग भी एंड करना था, मेहनत बहुत लगती ब्लॉग बनाने, चुपचाप नहीं बन जाता ब्लॉग। कर रहे बोलो कहीं को कर रहे जिद, तो नखीबा को होना है टॉयस, अभी थोड़ी जिद करे तो मैं उनके यहाँ से टॉयस नहीं मंगा रही हूँ, बिकॉज बुक्स मंगा रही हूँ, तो रोन आ रहा उनको पढ़ने के वास्ते, नहीं रोते नहीं उन्होंने, लेकिन टॉयस होना था। तो गाइज मेरे को एक कमेंट समझो, मैसेज समझो आया था, तो एक मेरे फ्रेंड है उनके मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है, तो उनकी मम्मी को भी मैं मेरे मम्मी जैसे दिखते हो और मैं उनको भी मम्मी बोलती हूँ उनके जैसी, तो उनकी तबीयत बहुत ख़राब है। मेरे फ्रेंड का मैसेज आया था व्हाट्सएप पे उनके मम्मी के वास्ते दुआ करो बोल के, तो उनके मम्मी का नाम भी लिखे देखो आप लोग। तो कल आया था गाइस, तो कल तो मेरा वीडियो नहीं था ना, तो मैं इसलिए बोली आज मैं दुआ कराती हूँ आपके मम्मी के वास्ते। पता नहीं हार्ट का सर्जरी कुछ है गाइस, प्लीज़ उनका नाम लेके दुआ करो बोल के एक रिक्वेस्ट करे उन्होंने, तो उनके मम्मी का नाम लेके दुआ करो बोले गाइस। उनके मम्मी का नाम है फरीन, तो फरीन आंटी को मैं तो मम्मी अम्मी बोलती हूँ उनको ज़्यादा। तो गाइस प्लीज़ दुआओं में आप लोग ज़रूर उनको याद रखना, दुआ उनके वास्ते ज़रूर करना, उनकी जो सर्जरी है सक्सेस हो जाओ बोल के प्लीज़ उन्हों एक रिक्वेस्ट करें। मेरी फ्रेंड है उन्हों, उनके मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है, तो सर्जरी मतलब डेंजरस रहता ना, तो बस अल्लाह सबकी हिफाजत करे, सबके माओं की हिफाजत करे, हमेशा मैं ये दुआ करते रहती हूँ गाइस। तो बस आप लोग भी इनके आंटी को फरीन नाम है उनका, तो नाम लेके दुआ करें तो बहुत अच्छा रहता। तो आप लोग कोई भी रहने दो, कोई भी रिक्वेस्ट करने दो उनके वास्ते, इनके वास्ते दुआ करो, वो तो मैं ज़रूर कराती हूँ इंशाल्लाह। तो इसलिए मैं इनकी भी मम्मी के वास्ते दुआ करा रही हूँ, तो प्लीज़ आप लोग मतलब बोलते ना ज़्यादा से ज़्यादा लोग दुआ करें तो दुआ कबूल होती बोल के, तो उसके वास्ते उन लोग भी बोले, बिकॉज आपके YouTube फैमिली बहुत अच्छी है, तो उसके वास्ते तो इंशाल्लाह आप लोग ज़रूर दुआ करना गाइस, आंटी के वास्ते, मम्मी के वास्ते, उनके अम्मी के वास्ते, तो जो भी आप लोग बोलते हैं उनको इंशाल्लाह आप लोग की दुआ कबूल होंगी। किसको मालूम किसकी दुआ कब लगती है नहीं मालूम गाइस, तो प्लीज़ ज़रूर दुआ में याद रखना, ठीक है। ये रिक्वेस्ट था, तो आप लोग टाइटल देख के समझ गए होंगे उनके मम्मी के वास्ते दुआ थी गाइस, तो आप लोग टेंशन ना लो, ठीक है। आज के टाइम पे मैं ये थोड़े चीज़ें मंगाई बच्चों को एक्टिव रखने के वास्ते, चलो मैं दिखाती हूँ आप लोग को क्या क्या है इसमें, इसको साइंटाइज करेंगे फर्स्ट। नखीबा साइंटाइज का बॉटल दो, वायरस का डर नहीं गया अभी। मैं मंगाई है आज नखीबा के वास्ते स्पेशल बुक्स, ये है रेम्स के, हर जगह वो ही छो गया, जॉनी जॉनी, यस पप्पा और थोड़े इसमें रेम्स अलग अलग है गाइस, तो बहुत अच्छे है। तो नेक्स्ट मंगाई ये एनिमल्स की, इसमें क्या है अली, अली को भी हाँ हाँ अली आपके दिखाते ना, तो ये है अली के वास्ते, दोनों के वास्ते मंगाई, नखीबा अली के वास्ते, तो थोड़े एनिमल्स मालूम जो बड़े बड़े एनिमल्स रहते हैं लोग को नहीं मालूम ना, और ये कलर्स तो होना ज़रूरी रहता बिकॉज इन लोग को पेंटिंग बहुत पसंद, तो और इसमें भी ज़रा दिमाग अच्छा रहता।
दोनों के हैं, नबा के नखीबा के हैं। एंड और ये अली के वास्ते टॉयस है, अली के वास्ते कुछ भी नहीं मिला तो ब्लॉक्स लेके आए, बस ये मंगाई थी मैं, बिकॉज ये होना था मेरे को मेन चीज़, इम्पोर्टेंस शेप्स होना था नखीबा को। तो गाइस देखे ना व्हाट्सएप पे मेरे फ्रेंड, उनके मम्मी के वास्ते दुआ करो, बोले उनके अम्मी के वास्ते, तो ज़रूर आप लोग दुआ में याद रखना। उनका 2 दिन के बाद में हार्ट सर्जरी है, तो प्लीज़ ज़रूर ज़रूर दुआ में याद रखना, इंशाल्लाह किसकी दुआ कबूल होती नहीं मालूम गाइस। तो थैंक यू सो मच। और आप लोग मेरे मम्मी के वास्ते भी जब दुआ करे थे, अल्हम्दुलिल्लाह जब बहुत अच्छा काम आई आप लोगों की दुआ गाइस। तो आज फ्रेंड की मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, तो ज़रूर दुआ करना। हाँ अली को भी थोड़ी सर्दी है, बस दुआ करना कम हो जाओ बोल के गाइस। तो आज का ब्लॉग ज़रूर दुआ का है, तो प्लीज़ उनके मम्मी के वास्ते ज़रूर दुआ करना। हमेशा मैं बोलते रहती हूँ सबके वास्ते, हमेशा सबके वास्ते नमाज में दुआ करो, पता नहीं किसकी दुआ कब कबूल होती। तो सबकी माँ मेरी माँ दिखती गाइस, तो बस दुआ करो, बस खुश रहो। एंड आज का ब्लॉग ख़त्म करेंगे अपन यहाँ पर, ज़्यादा बातें होंगे, फिर मिलती हूँ एक ज़बरदस्त ब्लॉग के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़। ज़रूर दुआ में याद रखना, स्पेशली मेरी फैमिली को, आज स्पेशली फरीन आंटी को, फरीन अम्मी जी को ज़रूर दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।